सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देती हैं। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेती हैं। मनुष्य तो अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने जन्म से। आज का पंचांग 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 11:26 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 4:55 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 10:39 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी, और आज सूर्य कुंभ राशि पर दोपहर 12:38 तक रहेंगी। इसके उपरांत मीन राशि में प्रवेश करेंगी। आप सभी को मीन संक्रांति की शुभकामनाएं। कर्क राशि 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार। अच्छा, आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता न करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वे आज पूरी होने वाली है। जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वे अनंतः आज सफल होगी। इसलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके साथ भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। अच्छा, आपका अधिकतर समय बाहर की गतिविधियों में व्यतीत होगा। कोई यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को संपन्न करेंगे और सफल भी होंगे। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे। योग्यता होने के बाद भी मन में बढ़ रहे डर की वजह से काम करना आपके लिए कठिन रहेगा। आपको अपने विचारों पर काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार से विचार सुधरेंगे वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव आएगा। जीवन से जुड़े अनेक लक्ष्यों पर ध्यान देना पड़ सकता है। फिलहाल चिंता न करें, केवल हल ढूंढने की कोशिश करते रहें। करियर में बड़े अवसर मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ परिचय होने से बड़े अवसर मिलेंगे। लव रिलेशनशिप की वजह से नकारात्मकता रहेगी, रिलेशनशिप बेहतर बनाने की कोशिश करें। लो बीपी के कारण तकलीफ होने की भी संभावना है, ख्याल रखें। आपको अपने किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करने की जरूरत है, तभी वह पूरा होगा। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। परिवार में यदि कोई सदस्य विवाह योग्य है तो उनके लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। आप किसी काम को लेकर परेशान रहेंगे। आप अपनी माता जी को कोई शारीरिक कष्ट होने से परेशान रहेंगे। सावधानियां, दूसरों की समस्या में उलझने से आपके लिए भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए सिर्फ अपने ही काम से मतलब रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। कोई पेमेंट रुकने से मन कुछ उदास भी रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके रिश्तों में कल कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन आज ये समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देगी। आप शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में सक्षम होंगे। हालांकि कल ये रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था। यह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। बात करते हैं करियर की। ऐसा लग रहा है कि अपनी कार्य स्थल के लिए आपकी यात्रा के लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्द ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। प्रभावशाली तथा राजनीतिक संपर्क सूत्रों का उपयोग करना आपके व्यवसाय के लिए लाभदायी रहेगा। महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी पेशे लोगों के ट्रांसफर और तरक्की के योग बन रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। आज भावनात्मक रूप से बहुत संदेश रहेंगे।
आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूँ। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन चिंता न करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रही हैं। अपने दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी ना भूलें। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।